पूरे देश की जनता ने मान लिया है। इस देश में एक ही गारंटी चलेगी और उसका नाम है मोदी गारंटी। और ये सिर्फ झांकी है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये झांकी है, अब बिहार बाकी है। मोदी जी का मैजिक, मोदी जी का जलवा बरकरार है। उन्होंने सेवा के भाव से अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। आज देश का चार राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आ गया है, जिसमें एनडीए को प्रचंड जीत मिली है। तीन राज्यों में एनडीए की सरकार बन चुकी है और हम इस वक्त बिहार प्रदेश कार्यालय में हैं। यहाँ भी खुशी का माहौल है। सबसे पहले अब वो वीडियो देखें जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कैसे खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंडिया वालों की। एक दूसरे खिलाए, लोगों नीचे करिए ना जी। अरे थोड़ा सा हाथ लगा ले तो दिखे विजय विजय बाबू। देश में राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह पर मोदी की गारंटी पूरे देश की जनता ने मान लिया है। इस देश में एक ही गारंटी चलेगी और उसका नाम है मोदी गारंटी। और ये सिर्फ झांकी है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये झांकी है, अब बिहार बाकी है। अब आप विजय सिन्हा का वो वीडियो देखें जो तीन राज्यों में प्रचंड जीत होने के बाद कैसे वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, आप वो वीडियो देखें। मैं 2025 तक इंतजार नहीं करेगा, एक नए बदलाव के लिए कदम बढ़ाएगा। विजय जी, एक चीज ये थी, इंडिया गठबंधन की लेकर बात हो रही थी, सब चीजों को नकार दिया गया। जो बातें हो रही थी कि मोदी फैक्टर खत्म हो गया, मोदी मैजिक खत्म हो गया, क्या हुआ उन लोगों को कैसा। देखिए, अस्पष्ट जितने ये लोग भ्रम का जाल बनाए थे, मोदी जी का मैजिक, मोदी जी का जलवा बरकरार है। उन्होंने सेवा के भाव से अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। युवा, महिला, आज किसान और गरीब, ये चार जाति की बात उन्होंने किया। इसका उत्थान, इसका कल्याण मेरा ध्येय है। लोगों ने इस पर मुहर लगाया है। तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले, जातीय और धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले, राष्ट्र को कमजोर करने वाले लोगों को नकार दिया है। और ये साफ संकेत है कि आज देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। आज उन लोगों को जनता ने तमाचा मारा है और बता दिया है कि आज भी देश के 21वीं सदी का भारत का नायक कोई है तो नरेंद्र मोदी है। इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में ही लड़ने लगे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगने लगा कि सही गठबंधन नहीं। अरे ये मिलनी है, ये वंशवादी, भ्रष्टाचारी, आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षित करने वाला, समर्थन करने वाला मानसिकता को जनता ने नकारा है। जनता पहचान चुकी है कि राष्ट्र किसके हाथ सुरक्षित है और राष्ट्र का विकास, सबका साथ सबका विकास कौन कर सकता है, उस पर जनता की मुहर लग गई है। नीतीश कुमार बार बार कहते थे कि दिखावा करती है मोदी सरकार मीडिया में बने रहने के लिए। देखिए जवाब कैसा, नीतीश कुमार बीमार है, बिहार बीमार हो गया है और नीतीश कुमार बीमार व्यक्ति पर हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन बिहार को बीमार करने वाले को हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। तो आपने देखा, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी साफ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं राहुल गांधी को और खुशी भी मना रहे हैं, काफी खुश हैं, काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ऐलान और आगाज हो चुका है 2024 में फिर से मोदी आएंगे। बहरहाल, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट कर दे, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।